day 2 of our road trip from Dahanu to Nepal. We are in Madhya Pradesh right now. कौन सा सिटी है? ब्यावरा सिटी. वी आर एट ब्यावरा सिटी. और कल हम लोग ने 18 घंटे का राइड किया है, करीबन 900 के ऊपर किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं. और आज हमको जाना है गोरखपुर, जो कि है हमारा आज का अलग आज का डेस्टिनेशन. आज का भी 970 किलोमीटर का ये है डिस्टेंस है और आज भी 18 घंटे लगेंगे. अपना जो शेड्यूल था वो इटिनरी के हिसाब से 6 o'clock का था. उसके बाद कल जब आए रात को 12 बजे पहुंचे तो उसके बाद 8 बजे डिसाइड किया. अभी 12 बजे आने के बाद खाना खाया घर पे इधर रूम पे. और अभी ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हम लोग की तैयारी हुई नहीं निकलने की. सो लेट्स सी, 10 बजे तक तो निकल ही जाएंगे बाई मतलब एंड. और 10 बजे तक निकलना पड़ेगा. फिर भी मुझे लगता है 18 घंटे बोले तो यार बहुत देर है. आज अभी थोड़ा फिर भी बॉडी फ्री हो गया है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया है. एक्सरसाइज कर लिया है वो अच्छा हो गया. प्रणीत गए नहाने, आ गए मुंडी निकाल के दिखा रहे किधर है. ये है हमारा रूम, 4 बेड वाला रूम हमको मिला है क्योंकि और कुछ बचा नहीं था इस होटल में. बल्कि होटल का नाम क्या है, होटल रेडियंट. होटल रेडियंट और होटल बहुत अच्छा है. करीबन 1800 रुपये में उसने हमें रूम दिया है और मतलब 600 पर पर्सन हो रहा है. तो 600 पर पर्सन के हिसाब से 4 बेड वाला रूम और रूम का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है. मतलब बहुत ज़्यादा पॉश नहीं है पर डिसेंट है. तो मेरे हिसाब से मैं ये होटल रिकमेंड करूँगा. वही वो तुझे क्या लगता है? होटल तो अच्छा है क्योंकि मैं कभी आने से पहले देख के रखा था कि यही होटल में रुकना है, बट बुकिंग नहीं किया था बिकॉज हम लोग का ऑब्वियसली जो ट्रिप है उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि बीच में कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया. जैसे कल इंटरसेप्टर का प्रॉब्लम आया था थोड़ा, तो उसी की वजह से हमको लेट हो गया. बट फिर मैंने कॉल किया, हम लोग एक जगह पर रुके, कॉल किया तो रूम्स अवेलेबल नहीं था. एक ही रूम अवेलेबल था, 2 बेड वाला या 3 बेड वाला अवेलेबल नहीं था. तो उन्होंने बोला 4 बेड वाला है, ज़्यादा महंगा है बट 1800 में उन्होंने करके दिया है वैसा उन्होंने बोला है. बट आई थिंक इट्स रीजनेबल, अच्छा ही है. टोटली सेटिस्फाइड. और हमारा जितना सामान है उसके हिसाब से यही रूम चाहिए था. अगर हमको थोड़ी सी जगह मिल गई सोने के लिए तो चलेगा, लेकिन सामान को ज़्यादा चाहिए तो रूम में सामान ही नहीं घुसेगा. व्यू भी अच्छा है, देखो बाहर हाईवे का व्यू है, डायरेक्ट फ्लाईओवर है और बस इधर से इस तरफ जाना है हम लोगों को. सामान वगैरह सब सेट हो चुका है और अभी करेंगे ब्रेकफास्ट यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर पीछे, और फिर निकलेंगे हम गोरखपुर के लिए. होपफुली आज के दिन में पहुँच जाए, देखते फिर आगे क्या होगा. उस तरफ है ना, अपन इधर से है ना, तो इधर चलो भाई. हो चुकी है शुरू डे 2 की राइड. लेट तो बहुत ज्यादा कर दिया है, थोड़ा ज्यादा लेनियंटली ले लिया था यार. इट्स 11:25 और निकले हैं. 870 किलोमीटर का राइड है गोरखपुर. होटल में पहुंचने का हमको जहां पर, और मैप्स तो दिखा रहा है 16 घंटा और कुछ मिनट्स हमें कवर करना है 15 आवर्स में, वो भी विद दो ब्रेक. हो पाएगा क्या देखते हैं. सैडल शोर होने वाला है. मजा आएगा लेकिन कुछ भी बोलो. इट्स अ गुड डे बाय द वे, काफी कूल है वेदर, ज्यादा हीट भी नहीं है. नाश्ता वास्ता भी हो गया तो अभी कोई स्टॉप की गुंजाइश ही नहीं है. सीधा 2:30-3 बजे के आसपास खाना खाने के लिए रुकेंगे हम लोग. भैया गोरखपुर के लिए इधर ही ना, गोरखपुर. भाई साहब बहुत ही स्मूथ हाईवे है, हमने करीबन 85 किलोमीटर्स कवर कर लिया है
एंड वी आर मेंटेनिंग अ स्पीड ऑफ अराउंड 100 टू 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि आज 870 किलोमीटर्स कवर करने हैं हमें। पर अभी अभी प्रणीत ने मुझे बताया कि उसके गाड़ी में कुछ तो इशू है, गाड़ी ठीक से पिकअप नहीं ले रहा है, तो होप कि ज़्यादा कुछ बड़ा इशू ना हो। तो मैं पहले चला के देख लेता हूँ एक बार थोड़े डिस्टेंस तक, और अगर कुछ इशू हुआ भी तो गुना में बजाज का सर्विस सेंटर है जो कि यहाँ से करीबन 5-10 किलोमीटर है, तो वहाँ पर एक बार हम गाड़ी चेक करवा के देख सकते हैं, अगर कुछ इशू होगा तो शायद रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, गाड़ी चला के देखता हूँ अभी, फिर देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव अ सिचुएशन हेयर गुना के आसपास कहीं पे। मेरा जो बाइक है 200 NS, वो कंसिस्टेंटली थ्रोटल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अजीब तरह से चल रहा है। यू नो, कभी कभी 90 की स्पीड पकड़ने को भी बहुत यू नो टाइम ले रहा है, और समटाइम्स 120 आराम से क्रॉस कर रहा है। सो वी आर जस्ट चेकिंग आउट हेयर, एक बजाज का शोरूम है, लेट मी शो यू। तो अभी देखना पड़ेगा रिजॉल्व होता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कोई एक स्पार्क प्लग शायद वीक हुआ होगा, या फिर CDI का इशू होगा। लेट सी क्या बताते हैं ये लोग, होपफुली जल्दी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि वी आर टारगेटिंग टू कीप एवरेज स्पीड बिटवीन 100 and 110, बट वो अचीव नहीं हो पा रहा क्योंकि बाइक जस्ट स्पीड टैपर कर रही है, पावर डाउन हो रही है, रेव बैंड ड्रॉप होता जा रहा है बीच बीच में। सो लेट्स सी क्या होता है। गाड़ी मतलब पिकअप नहीं है। वर्कशॉप के बंदे ने बताया कि यहीं पे पास में ही रेस्टोरेंट है, पर कहीं दिख तो नहीं रहा। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइज, हम गुना में हैं, यहाँ पे मेरी बाइक ब्रेकडाउन होने की वजह से हम यहाँ पे आए KK बजाज सर्विस में, और यहाँ पे बाइक दे दिए, सुबह को दी थी हमने 1 बजे, या दोपहर को 1 बजे दी थी हमने, और अभी शाम डल रही है एंड ऑलमोस्ट होने की कगार पे है। देखते हैं होने के बाद कैसे चलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और थैंक्स टू KK बजाज, उन्होंने प्रणीत की गाड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे लेके 2 घंटे के अंदर हमको करके दे रहे, तो हमारा राइड कंटिन्यू तो होगा पर शायद गोरखपुर नहीं पहुंच पाएंगे, बट एटलीस्ट जहाँ तक कानपुर भी एटलीस्ट ट्राई करेंगे, अपन कानपुर तक ट्राई करेंगे पहुँचने का। सही बात, थैंक यू। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यहाँ। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, मैकेनिक टेस्ट के लिए लेके गया है बाइक को, और यहाँ पे लूबिंग कर रहे हैं हमारी कॉन्टिनेंटल GT को, नहीं सॉरी इंटरसेप्टर को। ओह माय गॉड। सो या बस पेमेंट वगैरह कर देंगे,
और निकल पड़ेंगे यहाँ से। अब देखते हैं, टारगेट तो शायद नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, गोरखपुर तक पहुँचना था, बट लेट्स सी, एटलीस्ट ट्राई करेंगे 400-500 किलोमीटर कवर करने का, क्योंकि अब तो शाम भी ढल चुकी है, 4:30 बजे हैं, तो रात के शायद 11-12 बजे तक रन करेंगे और बस जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं पर रुक जाएंगे। तो लेट्स सी। शाम के 5:15 बज चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं गुना से। रोहित इसका प्रणीत का गाड़ी बन गया है, क्लच प्लेट चेंज किया, स्पार्क प्लग डाला, क्लच प्लेट जल गया था, तो पता नहीं वैसे चला, फास्ट चलाने की वजह से नहीं चला है, कुछ तो दूसरा इशू था इसकी वजह से, बट ठीक है, मेजर ब्रेकडाउन था एक, बट अच्छा कोई कैजुअलिटी नहीं था, एंड वी हैव लेफ्ट। सो अभी गोरखपुर का तो प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ से जा नहीं पाएंगे, गोरखपुर जाना पड़ेगा। अभी लखनऊ जाएंगे, लखनऊ जाके रुक जाएंगे, लखनऊ भी 400 किलोमीटर है, एंड एस्टिमेटेड टाइम 7 आवर्स तो लगेगा ही, 7 आवर्स और ट्रैवल करना है, मतलब 12 बजे लखनऊ पहुँच जाना चाहिए, तो कल उठ के सुबह 7 बजे तो निकलना पड़ेगा यार, 7-7:30 को तो एटलीस्ट निकलना पड़ेगा। आज का प्लान था गोरखपुर, पूरा प्लान ख़राब हो गया। एक तो ऑलरेडी सुबह ही हम लोग लेट निकले, बहुत निकलना चाहिए था जल्दी, 5 घंटा लेट इटिनरी के हिसाब से, और कल डिसाइड होने के बाद 4 घंटा लेट, 3 घंटा बस। होप कि अभी आगे कोई ब्रेकडाउन ना हो, जो है अभी ख़त्म हो गया। अभी और थोड़ा काम था, फॉग लैंप्स लिए थे प्रणीत की गाड़ी के लिए, बट फिर लगाने का टाइम नहीं था, मैंने बोला जाने दो यार, अभी यहाँ नहीं लगाएंगे, सीधा आगे जाके कानपुर में नहीं गोरखपुर में लगाएंगे डायरेक्टली। टेरिफिक ट्रैफिक, कम ऑन, एक तो सैडल्स है, सैडल की वजह से संभल के चलाना पड़ता है। अभी हम रुके हैं यहाँ टोल प्लाज़ा पे, रक्षा टोल प्लाज़ा जो झांसी से पहले आता है, झांसी यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर होगा, और हम आज शायद से स्टे करेंगे कानपुर में, लखनऊ में लखनऊ रात को 3 बज जाएंगे पहुँचते, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद हम 5:30 को निकले ना, अपन 5:30 को यहाँ से गुना से निकले, और अभी झांसी पहुँचेंगे, झांसी के बाद फिर लखनऊ, गोरखपुर तो आज नहीं पहुँच पाएंगे, तो कल सुबह मोस्टली निकल जाएंगे।